ऑलराइट गाइस, मैं दिनेश आपको स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल डायनामिक टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा यहां पे कैन नॉट प्ले दिस फाइल, ठीक है, कैन नॉट प्ले दिस फाइल ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ आता है किसी वीडियो को आप ओपन करने के लिए जाते हैं, जो वीडियो होता है यहाँ पे ओपन नहीं हो पाता है या फिर देख नहीं पाते हैं जो वीडियो है। MB यहाँ पे लगा के जो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड कर चुके होंगे और इसको अभी यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ आता है, तो बहुत सारा आपको दिक्कत तो होता ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर आपको किस तरीके से इसको फिक्स करना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बस आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो दोस्तों यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा मोबाइल का स्क्रीन पर आ चुका हूं, जो वीडियो में एक डाउनलोड किया था यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से मैं डाउनलोड किया था। फाइल मैनेजर पे चले जाता हूँ, फिर वीडियो पे चले जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ जो वीडियो में डाउनलोड किया था आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मूवी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मूवी डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे जो मूवी है 400 MB होगा, 1 GB तक होगा जो मूवी होता है यहाँ पे लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मेरा जो वीडियो है मेरे पे यहाँ पे फोकस वीडियो है, इसको ओपन करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, कैन नॉट प्ले दिस वीडियो लिखा हुआ आता है, और किसी किसी में लिखा होगा कैन नॉट प्ले दिस फाइल या फिर अनएबल टू प्ले दिस फाइल ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बैक चले आने के बाद, प्ले स्टोर पर चले आने के बाद आपको यहाँ पे MP4 फिक्स सर्च बार पे लिखना है। सर्च बार पे जैसे ही MP4 फिक्स के सर्च करता हूँ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो MP4 फिक्स वीडियो रिपेयर टूल ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, और जो एप्लीकेशन है पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, यहाँ पे मेरे पे ओपन दिखा रहा है, तो चलिए मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी फोल्डर पे जो वीडियो है वहाँ पे आपको चले आना है। तो 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद वीडियो पे क्लिक करता हूँ, जो भी वीडियो पे जो भी फोल्डर पे आपका जो वीडियो है वहाँ पे चले आना है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मूवी है मूवी फोल्डर पे मेरा जो वीडियो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फोकस पे यहाँ पे देखने जो वीडियो है फोकस में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा प्रिपेयरिंग लिखा हुआ आता है, फिर यहाँ पे एरर लिखा हुआ आता है, जो वीडियो है इनवैलिड वीडियो लिखा हुआ आता है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है नो वीडियो डाटा फाउंड इन द सिलेक्ट फाइल, द फाइल कैन नॉट बी फिक्स्ड, द फाइल माइट बी एम्प्टी, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। जो वीडियो होता है जो फाइल होता है यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाता है। तो चलिए क्यों ना और एक वीडियो आपको मेरे पास है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रेडी लिखा हुआ आता है, यहाँ पे रिपेयर लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अभी जो और एक वीडियो था यहाँ पे एरर लिखा हुआ आता है, यानी कि पूरी तरह से वो करप्ट हो चुका है, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई रिपेयर नहीं हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और एक वीडियो में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आता है और एक नीचे रिपेयर लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक चले आना है, ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक चले आना है, बैक चले आने के बाद MP4 फिक्स की ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी वीडियो आपके पास होगा एरर वीडियो होगा कैन नॉट प्ले होगा वो वीडियो सब यहाँ पे सामने चले आएगा, ठीक है। देखने के लिए मैं आपको मिलेगा सामने चले आने के बाद फोकस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर एरर यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको रिपेयरिंग लिखा हुआ आता है, जो कि यहाँ पे मैं फाइल पे जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि फाइल पे ऐड करने के बाद यहाँ पे एरर लिखा हुआ आता है, और यहाँ पे जो सामने यहाँ पे होता है वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल डाटा रिकवर लिखा हुआ आता है, ठीक है। प्ले करने के बाद अभी आपको यहाँ पे पैसा मांगेगा, सेव करने के बाद पैसा मांगेगा, करने के बाद भी आपको पैसा मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे और एक ट्रिक यहाँ पे करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, प्रीव्यू फ्री पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो मूवी यहाँ पे जो फाइल आपको यहाँ पे रिकवर होने के बाद जो भी आपका मूवी होगा तो MP4 फिक्स प्रीव्यू में ही देख लो, मूवी होगा तो यहाँ पे ही देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही देख लो। और आपका कोई क्लिप है कोई वीडियो होगा जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि गैलरी में आपको चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड को यहाँ पे ऑन कर देना है और जो वीडियो को यहाँ पे प्ले कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो वीडियो है यहाँ पे अपना गैलरी पे सेव हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। और आपको और एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसके पास भी मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मूवी है तो यहाँ पे देख लो भाई, मैं आपको बार बार बता देता हूँ, मूवी है तो यहाँ पे देख लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कोई सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।